अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। कानून शहादत लॉ ऑफ एविडेंस की एक और लेक्चर के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की आर्टिकल 12, 13, 14 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग करूंगा और इसी के साथ आर्टिकल 15 भी डिस्कस करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट ये कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चले जी आर्टिकल 12 जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हवाले से है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन लीगल एडवाइजर इज प्रिविलेज। लीगल एडवाइजर के साथ क्लाइंट की जो भी डिस्कशन हुई है वो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है तो वो प्रिविलेज्ड है। उसको कोर्ट के सामने उस शख्स को जो क्लाइंट है या वो लीगल एडवाइजर है इनमें से दोनों को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आप इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें जो इन दोनों के बीच में है क्लाइंट और लीगल एडवाइजर के दरमियान। लेकिन यहां पे एक शर्त है नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड बिटवीन क्लाइंट एंड लीगल एडवाइजर which is confidential in nature before any court, tribunal or quasi-judicial authority. Tribunal के सामने, quasi-judicial authority के सामने या court के सामने उसको compel नहीं किया जा सकता कि भाई वो कोई भी confidential information court के सामने बताए। लेकिन unless he offered himself as witness and may be compelled to disclose such communication as may appear to the court necessary in order to know or explain any evidence given by him but no other. बहुत मुश्किल सा लग रहा है यार काफी, लेकिन आप लोगों घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हुकूमत खान की है, घबराने की जरूरत नहीं है, मुल्क प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है। देखो पहली बात तो क्लियर है कि भाई कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उस कोर्ट किसी शख्स को उस लीगल एडवाइजर को या क्लाइंट को उस कॉन्फिडेंशियल इन नेचर वो जो इंफॉर्मेशन उनके दरमियान है वो कोर्ट के सामने उसको डिस्क्लोज करे। हां अगर वो क्लाइंट या लीगल एडवाइजर कोर्ट के सामने गवाही के लिए अपने आप को पेश करते हैं और गवाही के दौरान वो उस कॉन्फिडेंशियल इन नेचर जो इंफॉर्मेशन है जो भी कम्युनिकेशन है उस हवाले से कोर्ट के सामने कोई वो एविडेंस देते हैं और कोर्ट को शक पड़ता है और कोर्ट चाहता है कि भाई इसको फर्दर मॉडिफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए कि भाई आप ये जो गवाही दे रहे हैं ये किस बुनियाद पर दे रहे हैं, आपके पास कहां से किस सोर्स से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है, आपको किसने बताया है। तो फिर अगर आपने उस कॉन्फिडेंशियल इन नेचर वो जो भी कम्युनिकेशन है उसको आप कोर्ट के सामने लेके आते हैं किसी ना किसी तरह से उसके इर्द गिर्द कोई बात करते हैं और वो जाके टच करता है उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उस एविडेंस का सोर्स है। तो फिर यहां पे कोर्ट उस चीज को अंदर जाने के लिए उस सच को डिग आउट करने के लिए तो उस वक्त जो है उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से भी आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है और आपको कंपेल कर सकता है। हां यहां पे कह रहा है कि बाई हिम बट नो अदर, अगर उसने गवाही दी है उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से और कोई ना कोई पॉइंट उसने कोर्ट के सामने लाया है गवाही के दौरान जिससे कोर्ट कोई कोर्ट की जहन में ये इंप्रेशन क्रिएट होता है भाई ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी यानी फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए टू डिग आउट द ट्रूथ को जानने के लिए सच को जानने के लिए जरूरी है तो फिर उस वक्त उसको कंपेल किया जा सकता है लीगल एडवाइजर को या क्लाइंट को। तो चलिए जी इसके अलावा जो है हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स नॉट अदर्स। नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी टू ए सूट शैल बी कंपेल टू प्रोड्यूस एनी टाइटल डीड टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट इन वर्चू ऑफ विच ही होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी
एस्प्लेजी और मोटगेजी द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट में टेंड टू क्रिमिनेट हिम। यहां एक्सेप्शन भी है, कह रहा है कि अगर कोई सूट है, सूट यहां पे आप जहन में रखें, कोई सूट चल रहा है, सबसे अहम पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, सूट चल रहा है और एक शख्स के पास उस सूट के हवाले से या किस प्रॉपर्टी पर सूट चल रहा है और वो प्रॉपर्टी किसी के पास मॉर्गेज है या कोई शख्स एज ए मॉर्गेजी उस पर इंटरेस्ट उसको है उस प्रॉपर्टी पर, या वो प्लेजी है या वो लेसी है, उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई सूट चल रहा है, सूट यहां पे सूट की बार बार मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये क्रिमिनल केस के हवाले से नहीं है, ये आर्टिकल जो है बुनियादी तौर पर सिविल सूट के हवाले से बात कर रहा है, दीवानी मुकदमात के हवाले से बात कर रहा है, फौजदारी मुकदमात के हवाले से नहीं बात कर रहा। तो चले जी, यहां पे कह रहा है अगर कोई शख्स पार्टी टू द सूट नहीं है और उसके पास किसी प्रॉपर्टी के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने पेश करे। एक मरतबा फिर आपको पढ़ के सुना देता हूं। Production of title deeds, not other. No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce any document, title deed to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage. The production of the document may tend to criminate him. तो यहां पे एक्सेप्शन है, अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग। देखो जनाब, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया है, किसी शख्स के पास प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एज ए प्लेजी या मॉर्गेजी वो उस प्रॉपर्टी पर काबिज है, मतलब उस पर कब्जा है उसको, उस शख्स की एज ए मॉर्गेजी या प्लेजी, और उस प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से दो बंदों के दरमियान सूट चल रहा है, मॉर्गेजर या किसी और क्लेमेंट के दरमियान। अभी बात यह है कि भाई जो टाइटल डीड किसी तीसरे बंदे के पास है वो पार्टी टू द सूट नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, who is not party to a suit shall be compelled to produce any title deed to any property or document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage, the production of the document may tend to criminate him. agar wo production of the document jo hai usko kisi criminal case mein involve karta ho to fir usko jo hai kya kar kya nahi kiya jayega, compel nahi kiya jayega। हाँ, यहां पे ये एक बात कही गई है कि हाँ उसको कंपेल किया जा सकता है और उससे ये मुतालिबा किया जा सकता है और उसको समन किया जा सकता है, उसको नोटिस सर्व किए जा सकते हैं कि भाई आप ये टाइटल डीड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, कोर्ट के सामने आ जाएं, लेकिन विद द कंडीशन अनलेस ही हैज एग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस it with the person who seeks the production of the document. For example, मैं मॉर्गेजर हूं, मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं, एज आप मॉर्गेजी हैं और डॉक्यूमेंट्स मैंने डीड टाइटल डीड जो भी है मैंने आपको एग्जीक्यूट कर दिया और मैंने कहा कि भाई इस प्रॉपर्टी के हवाले से सूट भी चल रहा है मेरे और फलां बंदे के दरमियान, लेकिन अगर इन टाइटल डीड्स की जरूरत पड़ी तो फिर मेरे साथ आप मुआहिदा करें कि आप इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर उस वक्त जो है उस अगर उसने एग्रीमेंट की है वो मॉर्गेजी या प्लेजी, तो फिर उस विटनेस को क्या किया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है कि भाई वो कोर्ट के सामने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें। फर्दर यहां पे आगे जाते हैं हम, प्रोडक्शन दिस आर्टिकल नॉट अप्लाइड टू पार्टीज टू ए सूट nor does it apply on witness who is witness
इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ये आर्टिकल, दिस आर्टिकल नॉट अप्लाई टू पार्टीज टू ए सूट. ये जो आर्टिकल जो है, ये जो प्रिविलेज जो है, जो पार्टीज टू द सूट है, उन पर अप्लाई नहीं होता. उनको कंपेल किया जा सकता है कि भाई कोई भी डीट उनके उनके पास है और वो उनको क्रिमिनेट कर सकता है अगर उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, तो फिर उनको कंपेल किया जा सकता है. पार्टीज टू द सूट पर अप्लाई नहीं होता. हाँ, कोई भी शख्स जो पार्टी टू द सूट नहीं है लेकिन उसके पास कोई ऐसी टाइटल है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, टाइटल डीट है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कोर्ट के सामने क्या है, सब जुडिस है. तो चले जी, यहां पे नर डज इट अप्लाई ऑन विटनेस हु इज विटनेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और ना ये किसी ऐसे गवाह पर अप्लाई होता है. देखो यहां पे अगर आप इसको पढ़े, सेक्शन को गौर से देखें, टू ए सूट की बात की गई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं की गई है. अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर किसी के खिलाफ चल रहा है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर किसी भी शख्स के दर पास कोई भी टाइटल डीट है जो उसको इंक्रिमिनेट कर सकता है, तो कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है कि भाई उसको क्या करे, कोर्ट के सामने लाए, प्रोड्यूस करे. तो चले जी, आर्टिकल 14 की तरफ बढ़ते हैं. आर्टिकल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोसेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ द रियल ओनर कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस. सिंपल सी बात है. एक शख्स, देखो दो बंदों के दरमियान सूट चल रहा है या जो भी चल रहा है, और उसके टाइटल डीड एक शख्स के मेरे पास हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास है, लेकिन मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि भाई, कोर्ट मुझे कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को यहां पेश करें, क्योंकि अगर वो किसी शख्स के पास होते, जिस रियल ओनर के पास होते वो डॉक्यूमेंट्स, तो उनके पास भी ये अख्तियार था कि भाई वो उनको पेश ना करते. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं. देखो जनाब, मैं आपका लीगल एडवाइजर, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं. अभी मैं आपके कंसेंट के बगैर इसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, न मुझे इजाजत है. हाँ, अगर आपने मुझे इजाजत दी कि भाई जाएं आप इनको पेश करें, तो फिर मैं जाके पेश कर सकता हूं. और अगर आपने मुझे इजाजत भी दी लेकिन मैं पेश नहीं करता, तो कोर्ट मुझे कंपेल कर सकता है कि भाई आप इनको प्रोड्यूस करें बिफोर द कोर्ट. यही बात है भाई. प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैव इन पोजीशन, किसी दूसरे के पास पोजीशन है, रियल ओनर या रियल पोसेसर जो है, जो उस प्रॉपर्टी, उस डॉक्यूमेंट पर हक रखता है टू प्रोड्यूस आर नॉट टू प्रोड्यूस. लेकिन अभी उस वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास है, मैं पहले उनसे जाके पूछूंगा, अगर वो इजाजत दें तो फिर मैं जाके प्रोड्यूस कर सकता हूं. मुझे कंपेल भी किया जा सकता है कि भाई आप इनको प्रोड्यूस करें, क्योंकि रियल ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो उसने अलाउ की है, इजाजत दी है. तो चले जी, यही बात है और कुछ नहीं. एक्सेप्शन यहां पर है, ही मे बी कंपेल्ड इफ द लास्ट मेंशन्ड पर्सन कंसेंट टू प्रोड्यूस. वही बात है, कोई मैंने ऊपर समझा दी है कि अगर ऊपर वाले शख्स ने, जिसका रियल उसके पास हक है कि भाई टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस, अगर वो कंसेंट देता है, तो फिर कोर्ट भी मुझे कंपेल कर सकता है और मैं भी जाके प्रोड्यूस कर सकता हूं. चले जी, आगे जाते हैं. आर्टिकल 15 है हमारे पास. A witness shall not be excused from answering on ground that answer will criminate. देखो, कोई भी गवाह जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि भाई आप, मैं ये गवाही जो है नहीं दे सकता क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूं, या
अगर मैं गवाही दूंगा तो मुझे भी, मेरे ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आ सकते हैं, उसको डर है, खौफ है, और वो सच नहीं बता सकता कोर्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होने का अंदेशा है, खतरा है, इहतमाल है। फिर यहां पे कह रहा है प्रोवाइडेड दैट ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, वो एक्सक्यूज ही नहीं कर सकता कि भाई अगर मैं ये गवाही दूं तो मेरे खिलाफ ये गवाही इस्तेमाल हो सकती है आगे जाके। तो फिर यहां पे प्रोवाइडेड दैट सच आंसर विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द विटनेस इन एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यहां पे कह रहा है, पहले कह रहा है कि भाई वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता, और कह रहा है कि अगर उसने एक्सक्यूज नहीं की, आके गवाही दी, लेकिन एक बात यहां जहन में रखें कि भाई पहले वो कोर्ट के सामने रखता है कि भाई मैं इस पर गवाही नहीं दे सकता, या वो अपने आप को पीछे करता है, सच नहीं बताता, तो कोर्ट अगर कोर्ट से वो ये कह दे, इस्तेदा कर दे कि अगर जो है मुझे अगर श्योरिटी दे आप, मुझे अगर आप गारंटी दे कि भाई आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, तो फिर मैं आपको सच बताऊंगा। यहां पर बुनियादी तौर पर उस सच तक पहुंचने के लिए यहां एक राह हमवार कर दी गई है कि भाई कोई एक्सक्यूज ना करे, या वो सच बताने से वो पीछे ना हटे। तो फिर यहां पे एक प्रोवाइजो डाली गई, प्रोवाइडेड दैट सच आंसर विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द विटनेस इन एनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और अगर वो कोर्ट के सामने आके वो गवाही देता है जो उसको ही इनक्रिमिनेट करता है, तो फिर कोर्ट यहां पे एग्जम्पशन दी गई है, यहां प्रिविलेज ये दी गई है कि उस विटनेस को जो गवाही देता है और वो भी वो गवाही उसको इनक्रिमिनेट करता है, लेकिन यहां पे प्रोवाइडेड प्रोवाइजो है कि वो गवाही अगर वो इसको इंक्रिमिनेट करता है तो वो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स आके गवाही देता है और वो उसको इंक्रिमिनेट करता है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखने की यह है कि अगर वो कोर्ट उसको अलाउ करता है कि भाई हम आपको यानी क्या करेंगे, बख्श देंगे, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी, या आप कोर्ट से इस्तेदा करते हैं कि भाई मैं दूंगा लेकिन विद कंडीशन कि भाई मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट ना हो, तब जाके जो है यहां पे आपकी जो आंसर है वो आंसर आगे आपके खिलाफ एज ए गवाह सबूत किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस्तेमाल नहीं होगी। तो चलिए जी, यहां पे प्रोवाइडेड के साथ यहां पे एक्सेप्शन ऑन ग्राउंड ऑफ, यहां पे एक एक्सेप्शन है इस प्रोवाइजो की, एक्सेप्शन ये है कि ये फॉल्स एविडेंस अगर उसने कोर्ट के सामने दी है, उसने पहले तो कहा है कि ठीक है जनाब मैं गवाही देता हूं, एक्सक्यूज नहीं करता हूं कि भाई ये चाहे ये मुझे इंक्रिमिनेट क्यों ना करे, उसके बावजूद कोर्ट उसको कहता है कि ठीक है जनाब आप आके गवाही दे, आप सच बताएं हमें, हम आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी अगर वो झूठी गवाही देता है तो फिर उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। तो ये प्रिविलेज उस वक्त उसको हासिल नहीं होगा अगर कोर्ट ने उसको श्योरिटी भी दी उसके बावजूद वो आगे एक फॉल्स एविडेंस दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा, इसके बाद जो आने वाले जो लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 16 एकम्प्लिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक लंबी तकरीर होगी। आज के लिए, इस वक्त के लिए मुझे दीजिए आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और लोगों को भी, लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाइए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए। मुझे जी तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।